तदलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरुर्मध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोकिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे प्रभु, पीछे वो जाली वाला दरवाजा बंद कर दो इस रूम का। हरे कृष्णा। श्री गुरु गौरांग की कृपा से राधाष्टमी के लक्ष्य करते हुए स्थान स्थान पर हमारे कुछ कार्यक्रम हुए, जिसमें हम लोगों ने बड़े विस्तार से और अलग अलग दृष्टिकोण से श्री राधा जी की महिमा को श्रवण किया। जो महिमा श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री कविराज गोस्वामी, श्री विष्णु चक्र ठाकुर, इन सब के द्वारा प्रदत्त सिद्धांत तत्व एवं रस विचार, इन सबको गागर में सागर की भांति भरकर गुरु जी ने सर्वत्र सारे विश्व में राधा जी के महिमा का गान किया। उन्हीं राधा जी के महिमा को हम लोग गुरु जी के द्वारा जो श्रवण किया उसी को ही कहने का प्रयास किया, क्योंकि असंभाष्य तभाव गंभीर चित्ता अने राधा राधा अने राधा राधा पदाम भुज रेणु मनाश्रित वृंदा अटति यत् पदांकम। असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्ता कुत श्याम सिंधु रस स्यावगा। वृंदावन धाम में आश्रय भी मिल गया, राधा जी की आराधना इत्यादि हुआ, परंतु मुख्य सबसे मुख्य बात असंभाष्य, जो रसिक जन है राधा भाव विभावित जो हैं, जिनके भाव बड़े गंभीर हैं, उनका यदि संग प्राप्त नहीं हुआ तो फिर राधा जी की वो जो महिमा है कौन सी, प्रेम रस सीमा, राधा रा महिमा प्रेम रस सीमा, उसको जानना पहचानना समझना धारण करना ये असंभव है। मैं कठिन नहीं कहूँगा, असंभव ही कहूँगा। ललिता सप्तमी, जो राधा जी की मुख्य सखी हैं और स्वभाव भी ललित है, रूप गोस्वामी जी ने जिनको श्री उज्ज्वल निर्मणि में प्रखरा करके संबोधन किया, अर्थात यूं तो ललित भी हैं और फिर बहुत तेज भी हैं। ललिता जी का भाव क्या, ललिता जी का भाव है जिसको भजन में हम लोग सुनते हैं, सखी गाना मामा परमा सोरे युगला प्रेमे रागो तदनु गाहे से भी बोला धार चरण कल पता वृषभानु सुता चरण सेवने होई बोजे पाल्या दासी। भक्तिवत ठाकुर जी, भक्तिवत ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं पाल्या दासी का भाव, राधा दास्यम प्राप्ति ही जीव का परम लक्ष्य है।
में कौन उसको सैंक्शन करेगा, कौन उस सेवा में नियुक्त करेगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वह एकमात्र ललिता जी ही करेंगी। बोलते हैं ना फाइनल टच, वो ललिता जी के सैंक्शन के बिना संभव नहीं हो सकता। तो विचार करके देख लो कितनी महिमा है और कितना कितनी प्रधानता है श्री ललिता सखी जी। श्रील भक्तों, ठाकुर जी अपना परिचय देते हुए भी ये कह रहे हैं। गुरु महाराज जी ने भी एक बार ये कहा था कि दीक्षा मंत्र प्राप्त करके किसने जब ये जिज्ञासा की कि इस मंत्र का, इन मंत्रों का अर्थ क्या है, तो गुरु महाराज जी ने कहा जब करते करते स्वतः ही अपने आप से ही ये मंत्र अपने स्वरूप को विहित करेंगे। परंतु एक इंगित मात्र दिया कि हम ललिता जी के अनुगत में और श्री रूप मंजरी के अनुगत में राधा जी के चरण सेवा प्राप्ति की इच्छा करते हैं, यही भावना है और वही हमारी सिद्धि है। इंगित मात्र दिया। गुरु जी ने भी ये कहा तत्वता तो हमारी गुरु परंपरा है, कृष्ण हरिते चतुर्मुख हरे कृष्ण सेवनमुख, ब्रह्मा हैते नारदे रमति। लेकिन भाव में भाव युक्त होकर गुरु जी ने कहा कि हमारी गुरु परंपरा तो, मेरी गुरु परंपरा तो राधा जी, ललिता सखी, रूप मंजरी और उनके अनुगत में जितने हमारे रूपानुग गुरुवर्ग, ये हमारी गुरु परंपरा है। इसलिए राधा जी तक पहुंचना और उस पाल्यदासी का भाव, उस राधा दास्य तक पहुंचने के लिए यदि ललिता जी की कृपा नहीं होगी तब तो वे कदापि संभव ही नहीं है। जबकि कृष्ण प्रियावली मुख्य, राधा जी के गुणों में कहा ना कृष्ण प्रियावली मुख्य, कृष्ण की समस्त प्रियाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं राधा जी। परंतु उन राधा जी के जो सम स्नेह, जिनको रूप गोस्वामी जी उज्ज्वल निर्मणि में वर्णन कर रहे हैं कि गोपियों के तीन भाव हैं, तीन भाग हैं, कृष्ण स्नेहाधिक्य, वे गोपियां जो कृष्ण के प्रति अधिक अनुराग रखती हैं और राधा जी के प्रति कहीं न्यून भाव है, उनका स्नेह कृष्ण के प्रति अधिक है, इसलिए उन लीलाओं में कृष्ण का पक्ष लेकर चलती है, कृष्ण स्नेह अधिक है। दूसरी ओर है सम स्नेहा। सम स्नेहा में कौन आता है? ललिता जी, विशाखा जी, ये सब सखियां सम स्नेहा। श्री कृष्ण के प्रति भी वही भाव और उतना ही श्री राधा जी के प्रति भाव, परंतु थोड़ा सा राधा जी के प्रति अधिक भाव है। इसलिए ये हमारी, ये हमारे आदर्श है। जो कृष्ण स्नेहाधिक्य हैं हम उनका अनुगत नहीं करते, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं राधा जी की कहीं ना कहीं कुछ एक सूक्ष्म रूप में कहीं अपराध बनने की एक संभावना है। परंतु जो सम स्नेहा है श्री ललिता विशाखा जी, आरंभ ललिता जी से होता है, राधा जी के प्रति थोड़ा अधिक भाव है तो दोनों के प्रति सम भाव है ना, और उन अधिक भाव में राधा जी के प्रति विशेष रूप से ममता कहो, प्रेम कहो, शासन तक भी है, ममता भी है, प्रेम भी है, वो शासन भी अपने आप में एक ममता का स्वरूप है। क्यों? राधा जी के प्रति अधिक झुकाव है, इंक्लाइंड है। परंतु इनका कार्य क्या? दोनों युगल को मिलाना, श्री राधा कृष्ण युगल को मिलाना,
जय जय राधा कृष्ण, युगल मिलन, आरती करो ललितादि। बिना ललिता जी के हो ही नहीं सकता, युगल मिलन भी ललिता जी के बिना संभव नहीं है। भले ही सब गोपियां जो सम स्नेहा हैं, वे सब युथेश्वरियां हैं, भले ही युथेश्वरियां हैं, युथेश्वरी समझते हैं कि लीडर है, इनके अनुगत में कितने और इनकी दासियां हैं, परंतु युथेश्वरियां होते हुए भी ये युथेश्वरी भाव को स्वीकार नहीं करती। इनकी भावना राधा जी की सेवा में, राधा कृष्ण के मिलन में ही है, युथेश्वरी होती हुई, इसलिए सम स्नेहा। लेकिन एक और श्रेणी है रूप गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं, सखी स्नेह अधिक्य, जहां पर सखी स्नेह मतलब, सखी मतलब राधा जी के प्रति ही पूरा झुकाव है, वहां पर सम स्नेह वाली बात ही नहीं है। समझ आ रही बात? राधा जी के प्रति ही पूरा झुकाव है बस, और कुछ नहीं है। जैसे, और ये कौन है? हमारे समस्त रूपानुगा गुरुवर्ग, जो राधा जी की एक एक मंजरियां हैं, एक एक दासियां हैं, और जिनका सुख एकमात्र राधा जी के सुख में ही है। श्री कृष्ण के साथ संबंध भी यही संबंध है कि वो हमारी राधा जी के प्रियतम है, डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। कृष्ण संगम में कबू ना होई वो कामी, राधा पक्ष छाड़ी जय जन से जन, जय भावे से भावे थाके, अमित और राधिका पक्षपाती सदा, कबू ना हेरी वो ताके। ये कौन कह रहा है? श्री भक्तिवीन ठाकुर जी, कमला मंजरी। ये एक श्रेणी है, विशेष श्रेणी है, सखी स्नेह अधिक्य, राधा जी के प्रति ही पूर्ण झुकाव है, परंतु ये सब ललिता जी के अनुगत में ही राधा जी की सेवा करती है, भले ही अलग एक श्रेणी है। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भाव को विदित कर रहे हैं ना, सखेतु मम नमस्तु नमस्तु नित्यम, दास्यस्तु मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। यदि राधा जी मुझको अपनी सखी बनाना चाहते हैं, तो मैं उन सखी पद को भी मैं प्रणाम करता हूं, परंतु दास्यस्तु मम, मैं तो उनकी दासी बनना ही स्वीकार करता हूं। ये भाव विदित किया, इसलिए वो समस्त सेवा, युगल सरकार की समस्त सेवा ललिता जी के अनुगत में ही होती है। श्री भक्तिवीन ठाकुर जी ने ही इन भावों को और इस सिद्धांत को, इन तत्व को, इन विचारों को प्रकट किया, उनके अनुगत में ही हम, यहीं से पता लगता है श्री कमला मंजरी, श्री भक्तिवीन ठाकुर जी ललिता सखी के कितने निकटवर्ती हैं, कितने निकट है। और महाप्रभु परिकर के स्वरूप में श्री भक्तिवीन ठाकुर जी डायरेक्ट श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से आदेश प्राप्त कर रहे हैं, है ना। यदि महाप्रभु जी अंतर कृष्ण बहिर गौर, अंदर कृष्ण और बाहर गौर हैं, और राधा भाव द्वितीय स्वलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, राधा जी के भाव को अंगीकार किए हुए हैं, तो उनकी सब प्रकार से परिचर्या करने के लिए श्री ललिता सखी भी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के रूप में सब समय महाप्रभु जी के निकट रहे। और आप सब लोग जानते हैं, कोई भी व्यक्ति महाप्रभु जी के निकट स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच सकता और ना उनको कुछ सुना सकता है। पहले श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के देखना पड़ेगा, कहीं महाप्रभु का भाव इसमें विपरीत नहीं हो रहा, बिगड़ तो नहीं रहा है ना। तो वो ललिता जी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के रूप में श्री महाप्रभु जी की, श्री कृष्ण की भावना को, जो राधा भाव विभावित हैं, उनको वर्धन कर रहे हैं। ये मात्र दिने दिने
स्वरूप रामानंद सने निज भाव करे न विदित भारे विषय ज्वाला हय भीतरे आनंदमय कृष्ण प्रेम अद्भुत चरित्र यही प्रेम सही जाने तार से विक्रम माने विष अमृत एकात्र मिलन कहा ना कविराज गोस्वामी जी गंभीरा में श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री रामानंद जी के साथ अपने भावों को आस्वादन कर रहे हैं उनके भावों को वर्धित कर रहे हैं कौन ललिता जी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के रूप में तो उन्हीं श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से श्री भक्तिवेन ठाकुर जी स्पष्ट रूप से वो आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं भागवत आठ मरीचि माला भक्तिवेन ठाकुर जी के सामने स्पष्ट प्रकट हो रहे हैं तो ये तो महाप्रभु परिकर के स्वरूप में स्पष्ट आदेश प्राप्त हो रहा है और भागवत आठ मरीचि माला इतना सुंदर ग्रंथ जो श्लोकों को थोड़ा सा समझते हैं कितना सुंदर मतलब वर्णन नहीं कर सकते यदि थोड़ा सा उसके प्रति ज्ञान हो तो कैसे संबंध अभिधेय प्रयोजन ये सब क्योंकि ललिता जी के अत्यंत प्रिय हैं और उन्हीं भावों को ललिता जी के मनोभीष्ट को श्री भक्तिवेन ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया इंगित भी दे दिया ललिता सखीरा अयोग्य किंकरी विनोद धरी से पाए है ना कौन सा भजन श्री राधा कृष्ण पद कमले मन हे मन युगला चरा इसी भजन में ललिता सखीरा अयोग्य किंकरी विनोद धरी से पाए मैं कौन हूं ललिता सखी की अयोग्य किंकरी हूं किंकरी मतलब उनकी दासी हूं उनके अनुगत में हूं और अपने भजन में भक्तिवेन ठाकुर जी ये भी बतला रहे हैं ना मेरा नाम कमला मंजरी मेरा वर्ण ये इत्यादि और ललिता सखी आकर मुझको सेवा प्रदान कर रही हैं अरे अरे सखी यहां क्यों बैठी हो वहां युगल सरकार विराजमान है जा उनकी सेवा करो ललिता जी का आदेश प्राप्त करके श्री भक्तिवेन ठाकुर जी उन सेवा में नियुक्त कर रहे हैं तो क्या दिखला रहे हैं कि बिना ललिता जी के अनुगत में ये संभव नहीं और श्री भक्तिवेन ठाकुर जी की जो मंगल आरती में भी जो उन्होंने मंगल आरती लिखी भाले गौर गदा धरे आरती निहारी नदिया पूरा भागे जाऊं बलिहारी कल्पतरु तले रखना सिंहासन भोरी सबु सखी वैष्टिता किशोरा किशोरी पूरा मंगल आरती है और उसमें क्या कह रहे हैं ललिता सखी करे युगल आरती वो थोड़ी पंक्ति भूल रहा हूं मैं ललिता सखी करे युगल आरती श्री ललिता सखी ही युगल की आरती करती हैं कुंज में इसलिए इन सभी भक्तों ठाकुर जी के द्वारा इन भजनों में यही इंगित प्राप्त होता है कि ललिता सखी ही प्रधान है समस्त गोपियों में समस्त सखियों में कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो उनमें सबसे प्रधान श्री ललिता जी हैं ललिता जी का अर्थ क्या राधा जी का ही जो ललित स्वभाव है वह ललिता सखी है इसलिए तदात्म्य को प्राप्त है विशाखा जी कौन राधा जी का जो विशेष भाव है वही विशेषता ही विशाखा है इसलिए तदात्म्य को प्राप्त है राधा जी का स्वयं जो ललित भाव है वही ललिता सखी है इसलिए महाप्रभु जी के महाप्रभु जी जब ये गोदावरी के तट पर जब श्री रामानंद राय जी से मिल रहे हैं
तो महाप्रभु जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, प्रभु कहे एहो उत्तम, आगे कहो आर। और राय कहे कांत भाव प्रेम साध्य सार। मतलब कहते मैं समझ गया कि वात्सल्य प्रेम बहुत ऊंचा है, क्योंकि उसमें लालन पालन है, शासन इत्यादि है, मतलब और ज्यादा ममता पॉजेसिवनेस है। ये जितने स्तर हैं दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, इसमें ममता गाढ़ी होती जा रही है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर, तीसरे स्तर पर, चौथे स्तर पर ममता पॉजेसिवनेस आपनियता ये गाढ़ी होती जा रही है। इसलिए वात्सल्य रस में है, गाढ़ी रूप में है, उस गाढ़ी रूप में होने पर भी मधुर रस में उसके ऊपर फिर क्या बोलते हैं, सैफरन, क्या बोलते हैं सैफरन को, क्या बोलते हैं केसर, केसर का रंग चढ़ गया फिर ना। तो रमानंद राय जी ने कहा कांत प्रेम ही सर्व साध्य सार। ये मैं जो चाह रहा था वो इन्होंने निकाला नहीं। तो श्री रामानंद राय जी बता रहे हैं सखी बिना ए लीला पुष्टि कबुनाई, सखीगण अस्वादिया सखीगण विस्तारिया सखी अस्वादई। कहा गया बोला था वो निकाल के रखना। सखी बिना ए लीला पुष्टि कबू नाई, सखियों के बिना राधा कृष्ण की कोई भी लीला पुष्टि को प्राप्त नहीं हो सकती। इसका मतलब बिना ललिता जी के राधा कृष्ण की लीला पुष्टि को प्राप्त नहीं हो सकती। सखीगण विस्तारिया, इन लीलाओं को विस्तार भी कौन करता है, बोलते सखियां ही करती हैं। और इन लीलाओं को आस्वादन कौन करता है, बोलते आस्वादन भी वही करती है, विस्तार भी वही करें, आस्वादन भी वही करें। इसलिए सखी भाव के द्वारा अर्थात श्री ललिता जी के अनुगत के बिना ये कदापि संभव नहीं है। लो बहुत समझदार हो, उसके बिना संभव नहीं है। स्वभाव कैसा, प्रखरा, धूर्ते ब्रजेश तने तनशुष्ट वाम्यम मां दक्षिण भाव कलंक नीलागवाया राधे गिरुम शुनु इति शिक्षयन्ति देवीं गुणै सुललितम ललितम नमामि। जो राधा जी को भी और यहां तक कि श्री कृष्ण को भी जो शासन कर ले, समझना बात को, श्री कृष्ण को शासन करना तो सरल है, राधा जी को शासन ये तो संभव नहीं। सखी बिना ए लीला पुष्टि नहीं है, सखी लीला विस्तारिया सखी अस्वादे। सखी बिना ए लीला अन्यर नहीं गति, सखी भावे ये तारे करे अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवया, राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य सही पाए, सही साध्य पाए ते आर नहीं उपाय। स्पष्ट रूप से श्री रामानंद राय जी ने कह दिया, क्या कह रहे हैं, सखियों के बिना इस लीला में अन्य किसी की गति नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ललिता विशाखा आदि रूप मंजरी आदि सखियों ही राधा कृष्ण की कुंज सेवा करने वाली नित्य परिकर हैं, उनके अनुगत में साधन करना आवश्यक है। गुरु जी बतला रहे हैं यही विस्तार करेंगी और यही उसका स्वादन करती, इसलिए सखी भाव के बिना कदापि संभव नहीं है, अनुगत के बिना कदापि संभव नहीं है।
इसलिए क्या बतला रहा था इससे पहले राधा जी पर शासन ये धूर्त है, ये लंपट है। क्या राधा जी, क्या ललिता जी कभी राधा जी के प्रति ऐसे शब्द व्यवहार कर सकती हैं? असंभव है, कहीं पर भी नहीं देखा जाएगा। और कृष्ण के प्रति तो स्पष्ट रूप से है, ये धूर्त है, ये लंपट है। और कह भी कौन रहा है? ललिता जी भी कहती हैं, राधा जी भी कहती हैं, अन्य अन्य गोपियां भी कहती हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा कुछ सुना कि गोपियों की तो बात ही छोड़ो जो इतनी अंतरंग है, समझना इसको, इतनी अंतरंग है, आत्मीयता है, लेकिन तब भी सम्मान नहीं छोड़ा जाएगा, वो आदर की भावना वो समाप्त नहीं होती है। राधा जी के प्रति सखी भाव है, कुछ भी कह सकती हैं, शासन भी, लेकिन कहीं पर एक शब्द भी ऐसा सुन में आया या कभी श्री कृष्ण ने राधा जी के प्रति ऐसा कुछ संबोधन किया कि आप लंपट हो, आप ऐसे हो? कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। अपने गुरु जी को कोई लंपट बोल सकता है? राधिका प्रेम गुरु, इसलिए ललिता जी राधा जी को शासन करती है। मान बनाए रखो, श्याम सुंदर आएंगे, पिघलना नहीं, उनको मनाने दो। लेकिन इस भावना में ललिता जी को फिर क्या प्रयोजन है? कृष्ण की भी प्रसन्नता और राधा जी की भी प्रसन्नता। इसको भौतिक विचार से समझने का प्रयास मत करना और हमेशा अपने मस्तक में एक बात रखना, ये राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं देखने में लगती है बहुत ही कुछ क्रियाएं हैं, लेकिन इसके भीतर प्रवेश करेंगे तो सब समय सखियों का एक ही भाव है, दोन युगल की सेवा करना। भले ही राधा जी का, राधा जी के प्रति अधिक झुकाव है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण की अवहेलना है। वहां पर कृष्ण के भी आनंद का वर्धन है और राधा जी के आनंद का वर्धन तो है ही। तो ऊपर से भले ऐसा लगता है धूर्त कह दिया, लंपट कह दिया, क्यों कह दिया? क्योंकि ये सुनना श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय लगता है, अत्यंत प्रिय लगता है, इसलिए कहा जाता है प्रिया यदि मान कोरे कोरे भर्सन। राधा जी ललिता जी यदि मान करे और कोरे भर्सन, मेरी भर्सना भी करते हैं, शासन भी करते हैं, लंपट भी कहते हैं, वेद स्तुति हैते हरे मोर मन, स्वयं कह दिया ना, वेदों की स्तुति सुनते सुनते मेरे कान पर पक गए, लेकिन उससे भी अधिक सुख मेरे को आनंद मिलता है जब मेरी प्रियाएं मुझको धूर्त इत्यादि कहती है। तो इसलिए ये शब्द व्यवहार करके किसके आनंद का वर्धन किया जा रहा है? कृष्ण के। राधे मान बनाकर रखना, श्याम सुंदर आएंगे, वो आएगा, वो धूर्त है, लंपट है, मिथ्या कथा कहेंगे, लेकिन अपने मान से पीछे नहीं हटना, क्योंकि श्री कृष्ण को राधा जी का वो मान बनाने में क्या लगता है? सुख प्राप्त होता है, आनंद होता है, आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी क्या है? आनंद स्वरूप है। आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फुल शरयोज काम गोपान गनागन चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम। गोपान गनागन चित्त विनोदन, ये श्री कृष्ण भी ललिता जी के आनंद को वर्धन करने वाले हैं। राधा जी के तो हैं, ललिता जी के भी हैं, और श्री ललिता जी ये श्री कृष्ण के आनंद को वर्धन
इसलिए उस स्थिति में जहां पर दोनों का प्रेम वर्धित हो, और वो प्रेम वर्धित तब होता है जब वहां पर कुछ एक बाधा आ जाए। ये प्रेम का स्वभाव है, मैं नहीं कह रहा, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। अहिर एवस गति स्वभाव कुटिल भवेत हेतु व हेतु च यूनम मान उच्चते। इन दोनों का जो श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं ना, अहिर एवस गति स्वभाव कुटिल भवेत, उनका प्रेम का जो स्वभाव है कुटिल है, स्ट्रेट नहीं है, सर्प की भांति ऐसे कुटिल है। हेतु व हेतु च, कोई कारण है या बिना कारण, यूनम मान उच्चते, मान को मनाना है ना, ये तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं ना। तो श्री कृष्ण यदि राधा जी के उस मान को मनाते हैं तो उनको सुख लगता है, आनंद लगता है, तो उनके आनंद को वर्धित कौन कर रही है, श्री ललिता जी कर रही है। राधे मान को बनाए रखना, राधा जी को तो सुख लगेगा ही लगेगा, श्याम सुंदर को भी सुख लगेगा, श्री कृष्ण को भी सुख लगेगा, इसलिए दोनों के आनंद को वर्धन करते हैं, ये ललिता जी का आंसर है ना। और श्री राधा माधव के श्री चरण कमलों की झलकती हुई पसीनों की बूंदों को पहुंचने में जिनका शरीर नियुक्त है, और अत्यंत उन्नत सोहराद रस से जो सदैव अवश्य रहती हैं, उन सौंदर्य माधुर्य और गंभीर आदि विभिन्न गुणों से मनोहारिणी प्रगल्भा श्री ललिता देवी को नमस्कार करता हूं। माधुर्य सौंदर्य सब कुछ में जो अन्यतम है, ये ललिता जी का स्वभाव। फिर दूसरी उसमें कह दिया नहीं, जिनके मुखमंडल की शोभा पूर्ण चंद्रमंडल की कांति का भी तिरस्कार करती हैं, ये ललिता जी का रूप का वर्णन किया जा रहा है। राता सुधा किरण मंडल कांति दंडी वक्त्रम श्रियम चकित चारु चमूर नेत्रम राधा प्रसादन विधान कला प्रसिद्धम देवीं गुणै सुललितम ललितम नमामि। जिनके मुखमंडल की शोभा पूर्ण चंद्रमंडल को कांति को भी तिरस्कार करती है, जिनके नेत्र चकित हुए हिरणों की नेत्रों की भांति अतिशय चंचल हैं, और श्रीमती राधिका की वेश रचना की कला में असाधारण निपुणता के कारण सुप्रसिद्ध हैं। श्री ललिता जी का यहां पर सेवा इंगित हो गई ना, राधा जी की क्या करती हैं, केश सुना नहीं, वेश रचना करती हैं। कितने प्रकार से वेश रचना करनी, किस लीला के अनुसार और कब उस वेश रचना करके आनंद का वर्धन करना, कला में असाधारण निपुणता के कारण सुप्रसिद्ध हैं, बड़ी प्रसिद्ध हैं। उन स्त्री जनोचित अशेष गुण की खान श्री ललिता देवी को नमस्कार करता हूं, है ना, गुणों की खान, सर्वगुण संपन्न, जैसे राधा जी के संबंध में भी कहा ना, तरोपि उभे मध्य राधिका सर्वराधिका मां भाव स्वरूपणी गुणेर अतिर वर्यसी, गुणों में वर्यसी सबसे श्रेष्ठ गुण, इतना तो किसी में भी नहीं। वैसे ही श्री ललिता जी भी, क्योंकि राधा जी को तो ललित स्वभाव श्री ललिता जी है, इसलिए गुणों की खान है। कल वहां पर रमन बिहारी गौड़िया भट्ट ने
वो कथा के बीच में वो बात कही ललिता जी के संबंध में। श्री कृष्ण सोचते हैं मैं ही सर्वगुण संपन्न हूं, थोड़ी सी भ्रांति रहती है, ये रस विचार है, तत्व विचार नहीं। जब रस विचार आता है तो वो नदी दूसरी ओर बहती है। फिर तो क्या कर रहे हैं, पंचम स्वर में गान गा रहे हैं। श्री राधा जी पंचम स्वर में गा सकती कि नहीं? जहां पर रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल निर्मणि में राधा जी के गुणों का वर्णन किया, उसमें बताया कृष्ण सार हर पंचम जुषे गीत कुतकान राधी के। ललिता जी आकर राधा जी को शासन करती है। बताओ, राधा जी तो भाव में बस बही जा रही है, क्यों? प्रेममयी है ना। और जब प्रेम हावी हो जाए, और जो हमने प्रेम संपुट में सुना था, वहां पर विचार अविचार की कोई संभावना ही नहीं रह जाती। समझ रहे हो? वहां पर विचार अविचार की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो ललिता जी विचार युक्त होकर उस प्रेम में बाधा डालती है। प्रेम में बाधा मतलब उस भाव में एक बाधा क्रिएट करती है। और जब वो एक बाधा उसमें आती है तो वो प्रेम फिर और तीव्र गति से आगे बढ़ता है। ऐसे गुणों की खान श्री ललिता जी हैं। इसलिए श्री कृष्ण यदि राधा जी कृष्ण सार हर पंचम जुषे गीत कुतकान राधिके। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं राधा जी भाव में आकर प्रेम में आकर ऊंचा आलाप लेती हैं पंचम स्वरे। ये तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कृष्ण सार हर पंचम स्वरे ये श्रेष्ठ माना जाता है, जो गायक होते हैं उनको पता। जब राधा जी इतना ऊंचा गाती हैं तो ललिता सखी जी आकर उनको रोकती हैं। अरे धीरे गाओ, कृष्ण प्रेम में भावित होकर आप पंचम स्वर में गा तो रही हो, लेकिन अगर अभिमन्यु इसको सुन लेगा तो यावत रोशन पति। ललिता जी कह रही है तुम्हारे पति अभिमन्यु सुन लेंगे, इसलिए अपनी भावना में मत बहो, इसको थोड़ा ठीक रखो, प्रेम को थोड़ा ठीक रखो। इसलिए ललिता जी राधा जी को ममता के माध्यम से, शासन के माध्यम से उनके स्वभाव को, उनकी भावना को क्या करती है, ठीक रखती है। और राधा जी तो बस वो बह ही जा रही है, उनको तो और कुछ, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, उनको तो और कुछ स्फूर्ति होता ही नहीं। जहां नेत्र पड़ते वहां पर कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की स्फूर्ति, कृष्ण के आनंद का वर्धन इत्यादि, उसी भाव में सब समय डूबी रहती हैं। लेकिन ठीक तो रखना है इनको, तो वो ठीक रखने का जो सेवा भार वो किन्होंने लिया, श्री ललिता जी ने लिया। इसलिए उस स्वभाव को प्रखरा प्रगल्भा उनको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं है, संभव है ही नहीं। तो कृष्ण पंचम स्वर में गान गा रहे हैं। आप गाओ, आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आप दिखाने के लिए गाओगे तब तो ललिता जी चुप नहीं बैठेंगी, है ना। आप अपने भाव में अच्छा गान गाओ, लेकिन आप ये कहोगे कि मैं दूसरे को नीचा दिखाकर फिर गाऊं तो वो अच्छे अच्छे वाले जो होते हैं पकड़ लेते हैं, तुम्हारे मन का भाव क्या है, समझ, वो पकड़ लेते हैं। तो ललिता जी ने पकड़ लिया। आप राधा जी की महिमा को न्यून करना चाह रहे हो, कम करना चाह रहे हो, उनको दिखा रहे हो पंचम स्वर में गा सकते हो। तो ललिता जी सामने आकर श्री कृष्ण के साथ गान करती करती वही अलाप लेकर पंचम स्वर से षष्ठ और सप्तम स्वर तक पहुंच जाए। अब जिसने अलाप लिया वो बीच में थोड़ा रुक जाएगा, मान लो मैंने बोल दिया
मानो गा दिया राधे, आप ले रहे हैं ना। अब आप बीच में कुछ भी कहो, अगर बीच में थोड़ा सा भी रुक गया तो क्या हो जाएगा, अलाप भंग हो गया। ललिता जी सप्तम स्वर में उसी अलाप को लेकर सप्तम स्वर तक पहुंच जाए, और श्री कृष्ण गा तो रहे लेकिन आंखें भी ऊपर हो रही हैं। सप्तम स्वर यहां तक तो हमारी भी पहुंच नहीं है, और राधा जी उसी समय आकर श्री कृष्ण के उस वो जो महिमा उनकी जो कम हो रही है, प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करते हुए, आनंद को वर्धन करते हुए, वे भी ललिता जी के सामने आकर सप्तम स्वर में पहुंच जाए। और श्री कृष्ण और देख रहे हैं ये भी, और क्यों नहीं, जब ललिता जी गा सकती हैं तो राधा जी नहीं गा सकती। और सप्तम स्वर में अलाप लेकर अब ललिता जी तो काइंड ऑफ एक प्रकार से श्री कृष्ण पर पूरा आक्रमण है ना, लेकिन राधा जी आकर सामंजस्य कर रही हैं। पर सप्तम स्वर पर जाकर ललिता जी को उसी स्वर से फिर नीचे लाना, षष्ठ स्वर पर ले आए, और षष्ठ स्वर से फिर पंचम स्वर पर आकर अब तीनों एक साथ गा रहे हैं, श्री कृष्ण भी, राधा जी भी और ललिता जी। इस स्थिति को किसने संभाला, ललिता जी ने। इस प्रकार से गुण प्रकट नहीं कर रही, गुण अपने प्रकट हो रहे हैं। देवी गुणई सुललितम ललितम नमामि। युगल श्री राधा कृष्ण को बिलसाते हुए जो विराजमान, उसी में उनके गुण भी प्रकट हो रहे हैं। आप सेवा करो, आपके गुण प्रकट हो जाएंगे, आप किसी को मत दिखाओ, लेकिन जब सेवा करोगे तो गुण प्रकट होंगे कि नहीं होंगे, निश्चित रूप से अपने अवस्वता ही। और तो और रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कैसे राधा जी को कंट्रोल करती हैं। अपि गोकुल प्रसिद्धे भ्रू भ्रम भी परिजन निषेध आपि पीठम उमच्च राधा, बतलाया रूप गोस्वामी जी। श्री राधा जी बैठी हैं और सामने से भद्रा जी आ रही हैं। अब भद्रा कौन है, विपक्षा है, शब्य भद्रा चंद्रावली ताजी, चंद्रावली जी के ग्रुप वाली हैं। राधा जी देख रही है भद्रा आ रही, क्योंकि ये भी युथेश्वरियां हैं, समझ रहे हैं, चंद्रावली भी युथेश्वरी है कि नहीं, भद्रा जी भी युथेश्वरी है कि नहीं। साधारण लोग पता क्या बोल देते हैं, अरे ये तो विपक्षा है, चंद्रावली को कौन पूछे, अपराध है। जब तक हम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भांति उस भाव में बोले तो वो दरवाजा बंद कर दो। जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भांति जब तक उन विचार में प्रतिष्ठित ना हो जाएं, श्री राधा जी के भाव में विभावित ना हो जाएं पूर्ण रूप से, तब तक वो कहने की योग्यता नहीं है। क्या ये डोना कहां से आ गया, रोज एक डोना मट्ठा पीते थे, एक डोना मट्ठा पीते थे, किसी ब्रजवासी ने बड़ा सा लाकर दे दिया, बोलते अरे आज तो बड़ा पत्ता ले आए, कहां से लाए, बोलते सखी स्थली से, मतलब चंद्रावली जी के यहां से। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी उठकर उसको मारने के लिए भाग रहे, इसलिए साधारण रूप में हम बोल देते हैं अरे चंद्रावली जी से हमको क्या प्रयोजन, भद्रा जी से क्यों प्रयोजन। तत्वता विचार युक्त देखेंगे तो ये लीला पुष्टि के उपकरण हैं। जब हम यज्ञ करते हैं वैष्णव होम है ना, मैं एक बार किसी को बता रहा था वहां कहां पर अमेरिका में, जब हम यज्ञ करते हैं उसमें जब सखियों का नाम उच्चारण करके स्वाहा करते हैं तो वहां पर भद्राए स्वाहा, उनका नाम लेकर भी स्वाहा किया जाता है। तो भद्रा जी को आते हुए देखकर जो युथेश्वरी है, श्री राधा जी खड़ी होकर उनका स्वागत कर रही है। बताओ राधा जी को खड़े होने की आवश्यकता है, नहीं,
लेकिन अपि गोकुल प्रसिद्धे, जैसे यहाँ पर श्री ललिता जी के संबंध में कहा ना, राधा प्रसाद विधान कला प्रसिद्धम, जो उनकी वेश रचना में अति प्रसिद्ध हैं। बोलो श्री राधा माधव जी की जय। ऐसे ही श्री ललिता जी भी अपि गोकुल प्रसिद्धे, राधा जी भले ही गोकुल में बड़ी प्रसिद्धा हैं, भूभ्रमपि परिजन निषेधापि, ललिता जी उनको निषेध कर रही हैं, खबरदार खड़े नहीं होना, बैठे रहना। राधा जी का भाव पता लग रहा है यहां पर, कितना विनम्र भाव है। विनीत करुणा पूर्ण विदग्ध पट्टान्विता, विनीत हैं मतलब बड़ी दीनहीन है, ये प्रेम का स्वभाव ही है। आप चाहो ना चाहो प्रेम आपको दीनहीन कर ही देगा, क्योंकि उसमें क्या है, दो पहलू रहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू हैं। कौन कौन से दो? मिलन और विप्रलम्ब, मिलन और विरह। और वो प्रेम क्या करता है, दीनहीन बना देता है। ये स्वभाव है, स्वतः ही स्वभाव है, उसमें बताना नहीं पड़ता, स्वतः ही पता लग प्रतीत हो जाता है, सब समझ आ जाती है अपने आप। ये तो एक साधारण स्तर की बात बोल रहा हूं। अब क्योंकि युगल श्री राधा कृष्ण श्री राधा माधव जी गोलोक से आए, लेकिन यहां पर आकर इस प्रकट लीला में क्या दिखला रहे हैं, पहली बार एक दूसरे को देखा, राधा जी ने श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण ने राधा जी को देखा, प्रेम हुआ, तो पहले नहीं था। ये प्रेम का स्वभाव है, इसलिए राधा जी जैसी दीनहीन कोई नहीं। एक बछड़ा तृण खा रहा है, ये भी गुणों में बतलाया, बछड़ा खा रहा है उसके हाँ जीवा में तृण लग गया, वो देखकर राधा जी दौड़ी दौड़ी चली आई और उसको ठीक किया। एक साधारण एक बछड़े के प्रति भी इतना प्रेम है, औरों की तो बात ही छोड़ दो, किसलिए इस गुण का वर्णन किया, एक बछड़े के प्रति भी इतना प्रेम है, अपनी गोपियों के प्रति भी इतना प्रेम है, ललिता जी के प्रति भी कितना स्नेह है, अपनी दासियों के प्रति कितना स्नेह है, और श्री कृष्ण के साथ जो मान इत्यादि की लीला, वो भी अपनी सखियों अपनी दासियों को सुख पहुंचाने के लिए है, श्री कृष्ण को प्रेम का वर्धन और उनको सुख पहुंचाने के लिए, अपना इनका कुछ नहीं है, ऐसी थोड़ा राधे राधे बोलते सब, कुछ भी नहीं है। श्याम सुंदर की प्रसन्नता ही उद्देश्य, और अपनी जो काय व्यूहा है श्री ललिता विशाखा जी, उनके आनंद को वर्धन करना, तो क्या कर रही है, दोनों का मिलाप कर रही है। इस प्रकार से तो राधा जी को इंगित करके बिठा दिया, खड़े मत होना, आप प्रसिद्धा हो, आप बड़े फेमस हो, अपि गोकुल प्रसिद्ध है, इसलिए इंगित करके चुपचाप बिठा देती है, बैठ जाओ, खड़े नहीं होना, आने दो भद्रा को। लेकिन राधा जी कैसी हैं, नहीं नहीं युधेश्वरी है, उसको स्वागत करने के लिए खड़ी हो रही है। अभी भद्रा जी निकट भी नहीं आई, योग गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपि गोकुल प्रसिद्धे भ्रू ब्रह्म भी परिजन निषेधापि पीठम उच्च राधा भद्रा दूर प्रेक्षा, दूर से देख रही है। अभी हम तो गुरु जी को भी दूर से देखकर खड़े नहीं हो जाए, जब निकट आएंगे तो फिर खड़े होकर दिखाएंगे। राधा जी दूर से देख रही हैं और खड़ी हो रही है,
ये कोई साधारण बात है? कितने विनम्र भाव है? ये कोई शो ऑफ है? स्वभाव है। और ललिता जी उसी स्वभाव में एक बाधा डाल रही है। रुक जाओ, बैठी रहो, खड़ी मत होना। भद्रा है, क्या हुआ? ये ललिता जी का स्वभाव। इसलिए सखी स्वभाव एक अकथ्य कथन, कृष्ण सहे निज लीलाए नहीं सखीर मन। कृष्ण सहे राधिकार लीला जे कराए, निज सुख हैते ताते कोटि सुख पाए। राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्प लता, सखी गण है तार पल्लव पुष्प पाता। कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचय, निज सुख हैते पल्लव देर कोटि सुख है। सखे श्री राधिका ब्रज कुमुद विदुर हलादि नाम शक्तिर, सारंश प्रेम वल्य दल कृशल दल पुष्पादि तुल्य सुदुर। सिक्तामृत कृष्ण लीलामृत रस निश्चित उमात उमुष्या, जातो लास स्वसुख सदगुण अधिकम संति तब न चित्रम। गोविंद लीलामृत में कविराज गोस्वामी जी ने जो कहा उसी को भक्त ठाकुर जी ने साधारण बंगला भाषा में वर्णन कर दिया। क्या कह रही हैं? ब्रज की जितनी सखियां हैं श्री राधा जी के समान, और ब्रज कुमुद चंद्र अर्थात श्री कृष्ण की हलादनी नामक शक्ति स्वरूपा श्री राधा की ही सारांश प्रेम वल्ली की कसल्य पत्र पुष्प आदि स्वरूप है। समझा? एक लता में जैसे क्या क्या होता है, पत्ते होते हैं, मंजरियां होती हैं। श्री राधा जी को उस लता की तुलना दी गई। श्री कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण लीलामृत रस द्वारा अपने अपनी लीला के द्वारा, उस रस के द्वारा परम उल्लासमयी श्री राधे जी का सिंचन होते करते हैं। उस प्रेम के द्वारा राधा जी के प्रेम को वर्धित करते हैं, सिंचन करते हैं। और ऐसा होने पर सखियां अपने को सींची जाने की अपेक्षा शत गुण अधिकम तम न चित्रम। शत कितना होता है? 100 गुना अधिक सुख की प्राप्ति होती है। ये हजम ही नहीं कर पाते बहुत सारे लोग। मैं कितनी बार बोला ये श्लोक है, राधा जी से भी ज्यादा 100 गुना अधिक सखियों को आनंद की सुख की प्राप्ति होती है। मैं तो इसमें से बोल रहा हूं, तो गोविंद लीलामृत है। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ये कोई विचित्र बात नहीं है, ये कोई विचित्र नहीं है, ये स्वाभाविक है कि सखियों को शत गुण अधिक उल्लास की प्राप्ति होती है, 100 गुण अधिक उल्लास की प्राप्ति होती है। हाँ, और फिर ये श्री रामानंद राय जी कह रहे हैं क्या ललिता जी कभी श्री कृष्ण से एकांत में मिलना चाहती हैं? यदि श्री कृष्ण कहें भी ललिते चलो आज हम विहार करें, तो उनको पता है ललिता जी कैसी हैं फिर। अच्छे से पता है। सब लोग और सखियां तो निषेध कर देंगी, लेकिन ललिता जी तो दो बातें और सुना देंगी। इसलिए कह रहे हैं यद्यपि सखी कृष्ण संग में नहीं मन, तथापि राधिका यत्न करायें संगम। यद्यपि सखियों की श्री कृष्ण के साथ संगम करने में किंचित भी इच्छा नहीं होती है, ही नहीं इच्छा, फिर भी राधा जी बड़े प्रयत्न के साथ उनका श्री कृष्ण से संगम करा देती हैं। वे छल से, चतुराई से, युक्तियों से उन्हें कृष्ण के पास भेजती हैं। कौन? ललिता जी, राधा जी। अब समझ लो राधा जी की महिमा क्या है। यदि कहें कृष्ण आप मेरे हो, तो इसका मतलब बस स्वयं ही श्री कृष्ण को लेकर विहार करेंगी,
ये आश्रय तत्व की सीमा है। इसलिए बोला प्रेम रस सीमा, अपनी जो कायम हुआ अपनी जो सखियां उनका पूरा पूरा श्री ललिता जी के आनंद को भी वर्धन करना है। ललिता जी राधा जी के आनंद को वर्धन करती हैं, राधा जी ललिता जी के आनंद को वर्धन करते हैं, ये सब मिलकर श्री कृष्ण के आनंद को वर्धन करते हैं और श्री कृष्ण इन सब के आनंद को वर्धन करते हैं। यहां पर भोक्ता को है ही नहीं, क्योंकि ये प्रेम लीला है, ये काम लीला नहीं है। काम लीला में अपने सुख की देखी जाती है और प्रेम में प्रेमी के सुख को देखा जाता है, प्रियतम के सुख को देखा जाता है। इसलिए यहां पर भोक्ता कौन हुआ? फिर श्री कृष्ण इनके आनंद का वर्धन, ये उनके आनंद का वर्धन, ललिता जी उनके आनंद का वर्धन, सब एक दूसरे के साथ पूरी टीम वर्क है। तो क्या कह रहे हैं, फिर भी राधा जी बड़े प्रयत्न के साथ, सखियां नहीं जाना चाहती, ललिता नहीं जाना चाहती, श्री राधा जी छल चतुराई से जाओ जाओ ये जरा ऐसे कर दो, ये जरा वैसे कर दो, छल करके चतुराई करके युक्तियों से श्री कृष्ण के पास भेजती हैं और कृष्ण के हृदय में भी उनसे मिलने की प्रेरणा देती हैं। ये प्रेरणा कौन दे रहा है? तो इसलिए यदि कभी किसी लीला में देखा जाता है, जैसे ललिता जी का विवाह हुआ कहां पर? ऊंचा गांव। तो कौन करा रहा है? क्या ललिता जी की स्वयं इच्छा है? नहीं, ये कराया जा रहा है, लीला विनोद है। तो राधा जी उनके हृदय में प्रेरणा देती हैं और उन्हें भी अपने मिलन सुख से जितना आनंद होता है उससे भी कोटि गुण अधिक गोपियों को कृष्ण से मिलाने में प्रसन्नता होती है। ये राधा जी का भी है, ललिता जी को कृष्ण के साथ मिलाने में राधा जी को भी क्या होता है, कोटि गुण 100 गुना अधिक प्रसन्नता होती है। अपने मिलन से भी अधिक सुख ललिता जी के साथ राधा कृष्ण को मिलाने में 100 गुण की प्राप्ति अधिक प्राप्ति होती है। और ललिता जी को क्या होता है, सखियों को क्या होता है? कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जातो लास ससुख अधिकम शांति तम न चित्रम। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, इन गोपियों को भी श्री ललिता जी को भी 100 गुना अधिक सुख की प्राप्ति होती है और राधा जी को श्री कृष्ण के साथ मिलाने में, ललिता जी के साथ श्री कृष्ण को मिलाने में राधा जी को भी 100 गुना अधिक प्रेम की प्राप्ति सुख की प्राप्ति होती है। राधा जी एवं समस्त गोपियों का अंतकरण विशुद्ध सत्वमय है, यही तो फर्क है बस। अंतकरण शुद्ध सत्वमय है, अतः राधा जी गोपियों को और गोपियां श्री राधा जी को सतत सुख प्रदान करने में और रस के परिपोषण में निरंतर भाव से संलग्न है रहती हैं। इसी की प्रार्थना उद्धव जी करते हैं, प्रेमेव गोपरमणम काम्य अति अगम प्रथम इति उद्धवादो वांछन्ति भगवत प्रियः। उद्धव जी भी इसकी कामना करते हैं, क्योंकि ये काम नहीं ये प्रेम है। इसलिए कितना समय हो गया, टाइम हो गया, जा एक बस एक मिनट। एक मिनट तो नहीं, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा बोलो श्री ललिता सखी की जय, श्री ललिता सप्तमी की जय, श्री राधा माधव यू की जय, समस्त सखी वृंद की जय, समस्त रूपानुगा गुरु वर्ग की जय, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आज संध्या में एक कार्यक्रम है और फिर कल क्या है,